अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए क्या भयंकर हालत है इस रोड की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6 डिग्री विंडी एटमोस्फेयर इन ऋषिकेश और अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से चोपटा के लिए जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। 6 आवर्स की मेरी जर्नी रहेगी और बस मैं रेडी हूँ। जब मैंने चोपटा के बारे में पता किया था तो मेरे को यही पता चला कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ब्लैक आइस एंड स्नो चोपटा में नहीं है, ऊपर टोंगनाथ में है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली। इन खूबसूरत व्यूज़ को छोड़ के अभी हमें चलना है और विंड स्पीड आप देख सकते हैं कितनी तेज विंड है, सो आई होप कि ऊपर जाएं तो और ज्यादा विंड स्पीड ना होनी तो बहुत इशू होने वाला है। सो हियर इट इज, अभी चल दिए हैं हम लोग अपने भंडारी सिस कॉटेज से। ओ लेट्स सी, अभी हम लोग नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ, बहुत ज़्यादा हवाएं हैं उस वजह से इशू तब होता है जब या तो अगर ऐसे हवा हो या ऐसे हवा हो तो इशू नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे हवा हो, अगर आप ऐसे रास्ते पर लोडेड बाइक के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश करेंगे तो भी वो एक इशू हो जाएगा क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी स्लिप कर सकती है। पेट्रोल पम्प अपने को मिल गया है, बस अब अपनी टंकी फुल करवाएंगे और फिर आराम से मज़े से जाएंगे। इधर लगानी है, इधर लगानी है, I'm falling for you and tell me your secrets, I will tell you my secrets, we are different polos but I like it, but I like it, why baby do you look so pretty in your smile, my. ये जो सामने भाई साहब जा रहे हैं ना जिनकी स्कूटी आप देख रहे हो मेस्ट्रो, ये भाई साहब हमसे तब से बहस लगाए हुए हैं जब से हम ऋषिकेश से निकले हैं, हमारे आगे चलाते हैं और बीच बीच में रोक लेते हैं और हम जब आगे निकल जाते हैं देन फिर अगेन हमसे रेस लगाते हैं। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं और इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रेस लगाना इज़ अ फन इन। दो लेन रोड है लेकिन यहाँ पर अगर सामने से कोई ट्रक या कोई गाड़ी आ रही है देन बहुत इशू हो रहा है, लेकिन आप वो व्यूज़ देखिए, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। सो ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग, नदी, पहाड़ सब देख लिए मैंने इसी एक ट्रिप में और इस तरीके के हाल है देख सकते हो भाई साहब। और इतना देखने के बाद भी कहते हो कि यार सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये पहाड़ काट काट के रोड बनाने का फिर यही नुकसान होता है ना, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर गिरते हैं तो फिर हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ आपको, मतलब जब से मैं निकला हुआ हूँ ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा तो हो ही गया होगा और क्लच दबा दबा के मेरी जो उंगलियाँ हैं ना वो लिटरली जाम हो गई हैं। हैं अपनी अगली मंजिल की ओर।
और मैं भूल गया कि मेरे को ग्लव्स पहनने चाहिए। स्पोर्ट्स एंड ऑल भी हो रहा है यार, ये रुद्रप्रयाग के पास का ही इलाका है ये। यार वाह, देख नीचे देख, तू इसे देख, तेरे से नहीं होगा ये। भाई साहब ये खुला हुआ था, ये तो तेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, कहीं कुछ गिर ना गया हो मुझे लग रहा। एक और ले लो, इधर को आ थोड़ा सा, इधर को, धूप नहीं आएगी, ठीक आ रहा है ना, हो गया, चल 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 चल, चश्मा लो अपना। सो वी आर इन रुद्रप्रयाग राइट नाउ, और अभी जस्ट पास कर रहे हैं गूगल मैप, फिर से हमारा थोड़ा सा ध्यान भटका था। रुद्रप्रयाग काफ़ी क्राउडी एरिया है, और पहले जब मैंने ये प्लान किया था स्टार्ट कि मैं पहले दिन ऋषिकेश जाऊंगा, दूसरे दिन रुद्रप्रयाग जाऊंगा, ये मेरा प्लान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब रुद्रप्रयाग ही हम जा सकते हैं तो फिर रुद्रप्रयाग के आगे पूरा चोपता ही क्यों ना निकल जाए, बिकॉज रुद्रप्रयाग में अब इस टाइम अगर हम रुक भी जाते हैं, इतने बजे पहुंचते हैं 3 बजे, और रुक भी जाते हैं तो फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं, हम लोग बस मार्केट घूमेंगे और टाइम पास कर करा के फिर कल सुबह 2 घंटे लगा के उधर जाएंगे। केदारनाथ धाम आगमन पर आपके तो फिर ये कहाँ का दिखा, उनसे पूछते हैं सर ये चोपटा के लिए कैसे जाना पड़ेगा सर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। भैया तुंगनाथ चोपटा के लिए आगे चेक पोस्ट होगा। हाँ हाँ, ये जो आपके सामने शहर दिख रहा है ये पूरा रुद्रप्रयाग है। तो जब मैं पहले आ रहा था तो ये वाला जो रोड है, ये जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये बाईपास रोड है। सो मेरे को ये वाला दिखा रहा था और ये वो भी दिखा रहा था, तो मुझे तो यही पता था कि रुद्रप्रयाग के अंदर जो होते हुए जाना है, तो मैं सीधा निकल गया तो रास्ता भी दिखाने लगा बहुत आगे, मतलब लाइक आधा घंटा चलने के बाद एक जगह लिखा है यहाँ रास्ता बंद है, और मेरे को ये पुलिस वाला मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर कहाँ पर कैसे, उसने बोला चोपटा तुंगनाथ वाला की वाला, मैंने कहा तुंगनाथ वाला, तो बोला वापस चले जाए और ऐसे ऐसे चेक पोस्ट आएगा वहां से ऐसे मुड़ जाना। मुझे लगा मे बी इट इज अ न्यू रूट और हम लोग सही रूट पे हैं। जैसे मुझे पूछते पूछते आया, ये पूरा रुद्रप्रयाग जहां से गया था वो वापस निकाल के जस्ट अंदर घुसने से थोड़ा पहले एक ऐसे बाईपास कट था, उस बाईपास कट से ले आया।
अब हमारा एक घंटा ऑलमोस्ट इतना भयंकर बर्बाद हुआ है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए क्या भयंकर हालत है इस रोड की, और इस पे चलाने में भी कितना डर लग रहा है, बिकॉज ऊपर से भी पहाड़ ऐसे लटके हुए हैं कि लग रहा है पता नहीं कब नीचे कौन सा पहाड़ गिर जाए, और नीचे भी इतना बेकार रोड है कि एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, एक जिसके लिए हर राइडर घर से निकलता है और इतनी तकलीफें सहता है, और मेरे सामने इस समय वही एक मोमेंट, वही एक मंजर है जो कि आपको सामने दिखता हुआ बर्फीले पहाड़ जो दिखने में इस समय इतने खूबसूरत है, और साथ ही साथ इनके पास बादल है, और जिस तरीके के बादल मुझे दिखाई दे रहे हैं मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं चंद्रशिला और टोंगनाथ पे वो ना मिले मेरे को कि बहुत ज़्यादा बर्फ है ना आप नहीं जा सकते इंडोल करके। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये रास्ता छोटा क्यों होता जा रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि चोपटा में ही रुका जाए, लेकिन मेरा मन था कि एटलीस्ट चोपटा में रुकेंगे तो फिर कल की झंझट नहीं रहेगी। पहाड़ों में 35 किलोमीटर इज टू लॉन्ग, और वो भी इस तरीके के छोटे रास्ते जहाँ वन वे टू वे सब एक बराबर है, और लाइक गड्ढे तो ऐसे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और ये देखो भाई रोड कहाँ है, इस तरीके के तो रोड है, इसीलिए मैं कह रहा था ना अंधेरा होने से पहले, क्योंकि अगर ऐसे में अंधेरा हो जाए समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे उधर जो है वो पहाड़ियां हैं और बर्फ है ऊपर, और वो ऊपर चांद दिखाई देता है, वो मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ ऊपर चांद है और वहाँ सामने आपके पहाड़ हैं जिस पे बर्फ है, और इधर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, इधर से हमारे सूरज दादा है, कितनी देर रहेंगे पता नहीं। और यहाँ पर 23 किलोमीटर दिखा रहा है 4:30, 6 बजे दिखा रहा था 5:40 हो गया, 20 मिनट कवर कर लिया हमने, तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, गोप्रो में उतना समझ में नहीं आ रहा बिकॉज मैंने लाइट्स ऑन कर रखी हैं, और वैसे भी उतना थोड़ा सा गोप्रो अपना कमाल दिखाता है, बाकी अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और अभी 9 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को जो नज़र आ रही है यहाँ पर कोई होटल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ हैं भी कि नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू राइड बिकॉज मेरे को पहुँचना है। होप कि इतनी मेहनत के बाद तो ये वीडियो सक्सेसफुल होंगे और आप लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब तक जो वीडियोस मैं बना रहा था वो अब तक आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये वाले मैंने हर तरीके से मेहनत करी है, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो चाहे वो कंटेंट हो। सो आई होप कि सब कुछ ठीक रहे और सब कुछ बढ़िया रहे, और ये भी कुछ टेंट्स हैं, अगर हमारे को नहीं मिलता है देन वी विल कम बैक हियर। सो गेट सेट गो, सो अभी ऑलमोस्ट उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये एकमात्र ऐसा कैंप है जो अभी बचा हुआ है, और सामने आपको वो लाइन दिख रही होगी जिसे हमेशा लोग कहते हैं कि बेस्ट मोमेंट है। भैया अवेलेबल होंगे रूम? अरे ये रूम के लिए जाते हुए भैया चाय हो जाएगी? बिल्कुल जी, यहीं पर दे दीजिए दो चाय। कोई चाय दो नहीं चार चाय दे देना, दो चाय बड़े बड़े ग्लास में, कोई नहीं बड़े ग्लास में दे देना। ओके थैंक यू भैया।
तो वहाँ पर आपको वाटर लाइन नजर पर आगे आ रही होगी नजर। तो सनराइज देखना है? सनराइज देखना है? नहीं भाई, बिना सनराइज के ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हम लोग के रूम वाला है बंदा, उसने हमें बोला कि अगर आपको सनराइज देखना है ऊपर जाने के बाद बहुत खूबसूरत वाला, तो आपको यहाँ से 4 बजे निकलना पड़ेगा चंद्रशिला के लिए। तो हमारा भाई पूछ रहा है कि देखना है, तो मैंने कहा भैया माफ़ करो, हम 6-7 बजे चलेंगे आराम से, 3 घंटे में ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि गूगल मैप पे उसी तरीके से दिखा रहा है। और रूम तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि रज़ाई बहुत मोटी मोटी हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। भाई कैसा लग रहा है? अब बहुत ठंडा लग रहा है यार। बिस्तर कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में गीला कर रखा हो। तो लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ में गीला हो ये पूरा बिस्तर। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बाकी ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो छत है वो बेसिकली लकड़ी की छत है। यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पर अगर आप नहाना चाहेंगे तो आप नहा नहीं सकते हैं, आपको मंगाना पड़ेगा ऊपर से एक या दो बाल्टी पानी गर्म, जो कि 40 रुपये पर बाल्टी आपको पानी मिलेगा। और अगर वैसे आप पानी चाहेंगे तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि रात में इतनी ठंड होती है कि जो पाइपलाइन में पानी होता है वो जम जाता है, तो उस वजह से आपको पानी सुबह नहीं आता, थोड़ा दिन होने के बाद ही आता है। और हमें जल्दी जाना है, तो हमें जल्दी इनको फ़ोन करके या जैसे भी ऊपर जाके पानी मांगना पड़ेगा, एंड देन फिर जाना पड़ेगा। तो ये है अभी प्लान। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, अभी ऑलमोस्ट 6 बजे पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 6:20 कितना हो रहा है टाइम? 6:21 टाइम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि बस अभी कुछ खाने को मिलेगा और हम सोएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉडी पेन हो रखी है। कुछ खाने को भी नहीं चाहिए, भाई कह रहा है मेरे को कुछ खाने को भी नहीं चाहिए। तो होप कि जल्दी जो भी आएगा वो थोड़ा बहुत कुछ मंगाएंगे, खाएंगे और उसके बाद सोएं। सुन, तुमने गलती करी, तुम मुझे तो ऋषिकेश से छोड़ दे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सपनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, और इसी बात के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।